महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे के राजनीतिक पुनर्वास पर चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में बीजेपी ने लोकसभा में मिली हार के कारणों पर विचार करते हुए मराठवाड़ा में पंकजा मुंडे को मौका देकर पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश की। विधान परिषद के लिए बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे के राजनीतिक पुनर्वास पर चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में बीजेपी ने लोकसभा में मिली हार के कारणों पर विचार करते हुए मराठवाड़ा में पंकजा मुंडे को मौका देकर पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश की। विधान परिषद के लिए बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे के राजनीतिक पुनर्वास पर चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में बीजेपी ने लोकसभा में मिली हार के कारणों पर विचार करते हुए मराठवाड़ा में पंकजा मुंडे को मौका देकर पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश की। विधान परिषद के लिए बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है।